Hello friends, welcome to my YouTube channel Dream Constructions. My name is Khuram और आज ये मैं आपको एक साइट दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमने रूफ स्लैब के लिए स्टील डाल दी है और ये पोस्ट टेंशन रूफ स्लैब है। ये आप देख रहे हैं इस ट्रांस जो है ये पोस्ट टेंशन के डले हुए हैं। ये डेड एंड है और दूसरी साइड पे इसका लाइव एंड होगा, यानी कि ये देख सकते हैं ये साथ इसका, ये इसका लाइव एंड है और ये सारा इसका लाइव एंड और दूसरी साइड पे उस साइड पे इसका डेड एंड है। ये आप देख सकते हैं ये इसका डबल मैश है। ये वाली जो मैश है ये 8 मिली की है और ऊपर ये जो है ये इसके टॉप बार है, ये देख सकते हैं। ये पोस्ट टेंशन करते हैं इससे स्लैब का जो वेट है वो कम हो जाता है, यानी कि लाइट वेट स्लैब होती है और कंक्रीट के बाद इसको हम इसमें स्ट्रेचिंग करके इसको इसमें यानी कि टेंशन प्रोवाइड करते हैं और इसका जो लोड होता है वो डायरेक्टली फिर कॉलम्स पे और फिर बीम्स पे चला जाता है। तो इस तरह से ये स्लैब जो है ये लाइट वेट स्लैब बन जाती है। ये इसके जो है ये वाला जो इसका हिस्सा है ये हमने इसकी शेयर्स के लिए डाला है। अब इसके अंदर हुक्स आएंगी, सारी हुक्स प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर। ये देखिए हमारी सारी ये स्लीव्स इसमें रखे हुए हैं वाटर के लिए, एसीस के लिए और प्लम्बिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे डबल मैश है ये देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इसकी डबल मैश है, ये इसकी बॉटम मैश और ये इसकी टॉप मैश। ये इसका स्टेयर केस एरिया है। ये सामने जो है ये इसकी लिफ्ट के लिए है, ये भी इसकी वर्किंग चल रही है, इन प्रोसेस है। ये साइड पे सारी देखें ये जो है टॉप मैश और बॉटम मैश चल रही है। ये आप देखिए ये इसका बीम है, ये जो हमारी स्टैंड्स डली हुई है इसका डेड एंड और ये इसका लाइव एंड है। ये आपको दिखाऊं कौन सी हम डालेंगे, यहाँ पे हुक भी बड़ी हुई है। ये देखें ये जहाँ पे ये हिस्सा है ना ये हुक हम ऐसे करके इसको नीचे से डाल के इसको ऐसे ऐसे डाल के फिर इसको हम बांध देंगे वायर के साथ, बैंडिंग वायर के साथ। ऐसे ये मुख्तलिफ डिस्टेंस पे आएगी। ये भी देख सकते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक वर्क होगा। अभी इसकी क्लीनिंग और इसके नीचे कवर ब्लॉक प्रॉपर आएंगे। अभी इसका जो स्टील का काम चल रहा है, स्टील बाइंडिंग कर रहे हैं। ये 20 mm थिक इसकी स्लैब है, ठीक है। ये आपको ये देखिए ये हमारी पूरी स्लैब है। जब ये स्टील वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसकी क्लीनिंग करके प्रॉपर इसको कवर ब्लॉक लगा के और प्रॉपर उसके बाद इसकी
फ्रेम है इसका, ये हमने इसका एल प्रोवाइड किया हुआ है नीचे से भी और ऊपर से भी। और देखिए इसका जो इसकी रिंग है उसके हुक अल्टरनेट है, इसमें 8 4 बार ऊपर है और 4 बार नीचे हैं, टोटल 8 बार हैं इसके 20 mm के। और इस जगह पे हमने ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी डबल मैश डाली हुई है इसकी शेयर को रिजिस्ट करने के लिए। ये देख सकते हैं ये नीचे 8 mm की और ये ऊपर 12 mm की, इसकी डबल मैश डाली हुई है इस एरिया में। वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों को साइड पे हम किस तरह वर्किंग करते हैं और पोस्ट टेंशन जो है वो किस तरह से की जाती है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये इसका जो है ना पोस्ट, यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है वहाँ पे कम है, और आगे जाके देखिए बिल्कुल कम है और फिर आगे जाके ऊपर है। इसी तरह से यहाँ से ऊपर है, यहाँ पे नीचे हो गया और फिर आगे जाके ऊपर हो गया। जब कंक्रीट इसकी कास्ट हो जाती है तो इसको फिर हम इसमें टेंशन प्रोवाइड करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, इसको खींचते हैं और फिर जितनी यानी कि लिमिटेड स्ट्रेस दे के तो फिर वहाँ पे इसको जॉइंट कर देते हैं और इसके बोल्ट्स होते हैं वो वहाँ पे इसको जकड़ लेते हैं। उस पर मैं बाद में तफसील बनाऊँगा। आप देख सकते हैं ये हमारी स्टेयर केस एरिया है, ये हमारा लिफ्ट का है, सेंटर में हमने लिफ्ट के लिए छोड़ा हुआ और ये स्टेयर ऐसे नीचे जा रही है, ये हमारा रूम एरिया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।